Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So it's our part 2 of your chapter number 7, experiments with water, जिसमें हम experiment कर रहे थे कि कैसे जो चीजें हैं वो sink करती हैं and float करती हैं. And आपको कल एक topic दिया गया था that how ship जो है हमारी वो float करती है, sink क्यों नहीं करती, because हमने देखा कि जो ship का weight है वो ज़्यादा होता है, वो हैवी होती है. तो आई होप कि आपने कल की क्लास में कमेंट सेक्शन में इसके बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे. तो आज हम इसका सही लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है. देखो, कल हमने एक बायन फोर्स किया था, हमने देखा था कि जो ये डिस्प्लेस किया हुआ वाटर है, मतलब जो बायन फोर्स है अगर वो कम होगा और आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का जो उसके ऊपर रखी है पानी के ऊपर, वो सिंक कर जाएगी. बट अगर हमारा डिस्प्लेस वाटर और जो बायन फोर्स है वो कम होगा हमारे वेट से, तो वो चीज़ हमारी फ्लोट करेगी. तो यही सेम कंसेप्ट है जो हमारा शिप पे लगता है. देखो, शिप होती है जो पानी के नीचे इसका पार्ट है, उसकी शेप ऐसे होती है. तो ये जो डिस्प्लेस कर रही है वाटर, उसका वेट ज़्यादा है शिप के वेट से. इट मींस जो आपका बायोएंट फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है आपके ऊपर वाली शिप के वेट से, इसीलिए जो हमारी शिप है वो फ्लोट करती है. सो इसका रीज़न क्या होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर वेट इज़ मोर देन वेट ऑफ शिप. जो हमारी शिप का वेट है उससे ज़्यादा जो वाटर वो डिस्प्लेस कर रही है उसका है, इसलिए वो फ्लोट कर रही है. बट अगर वो वेट कम हो जाए तो हमारी शिप सिंक कर जाएगी. जैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे जब हमने पूरी डाली वो ऑयल के नीचे, सिंक कर गई. क्यों? क्योंकि जो आपका बायोएंट फोर्स है वो कम हो जाएगा और आपके ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाएगा. बस वही सेम रीज़न था कि जो एक शिप है वो इतना हैवी वेट के बाद भी फ्लोट करती है, क्योंकि जो उसका डिस्प्लेस वाटर का वेट है ना वो उससे भी ज़्यादा होता है. ठीक है, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 62 का. आपको ये एक्सपेरिमेंट करने थे. एक टेबल में आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ आपको बकेट में डालनी है. आपको करके दिखाना था कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी एंड कौन सी सिंक करेगी. जो जो फ्लोट करेगी उस पर आपको लगाना है टिक मार्क, एंड जो सिंक कर जाएगी उस पर आपको लगाना है क्रॉस मार्क. तो देखो, ये आपको गैस करना है. गैस मतलब आपको अभी करके नहीं देखना. लाइक फर्स्ट है एम्प्टी बॉटल, आप सॉरी एम्प्टी बाउल. तो आपको देखना है कि बाउल, आप सोचो अपने माइंड में कि पानी में अगर मैं बाउल रखूँगा तो वो फ्लोट करेगी या सिंक. तो आपको गैस करना है. गैस करके टिक लगाओगे अगर फ्लोट करेगी, क्रॉस लगाओगे अगर सिंक करेगी. और ओरिजिनली क्या हुआ उस कटोरी के साथ, वो ऑब्जर्वेशन आप अपनी इसमें लिखोगे. तो मैं आपको सिर्फ जो ओरिजिनली होगा वो बताऊँगी, गैस वाला आप अपने हिसाब से देख सकते हो. तो फर्स्ट वन इज एम्प्टी कटोरी. एक एम्प्टी बाउल लेना है, खाली बाउल को जब आप पानी पर रखोगे वो फ्लोट करेगी. नेक्स्ट, जब हम उस कटोरी में 6-7 पत्थर डाल देंगे, छोटे छोटे पेबल्स डाल देंगे, देखो अभी उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो गया ना बायो एंड फोर्स से, इसलिए वो सिंक कर गई. एंड सिंक कर गई इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया. नेक्स्ट है आयरन नेल और पिन. ये तो हमने चैप्टर में भी रीड किया था, जो उसने बच्चे ने पोइम सुनाई थी हमें कि जो एक आयरन नेल है, पिन है, वो सिंक कर जाती है बिकॉज उसका वेट डिस्प्लेस्ड वाटर से ज़्यादा है. मैच स्टिक फ्लोट करेगी क्योंकि मैच स्टिक बहुत हल्की होती है, उसका वेट कम होता है. नेक्स्ट इज एम्प्टी बॉटल. बॉटल खाली, ढक्कन बंद करके उस बॉटल को रख दो, वो फ्लोट ही करेगी. आपने देखा भी होगा जैसे आप बॉटल पानी में ऐसे पानी के बकेट में कहीं पर फेंकते हो, या कहीं भी आपने सी वगैरह पे, बीच वगैरह पे देखा होगा जो बॉटल है वो फ्लोट करती है. बट अगर हाफ फिल कर दोगे तब भी वो फ्लोट करेगी क्योंकि जो हाफ बॉटल है वो अभी खाली है. एंड अगर आप पूरी भर दोगे तो वो सिंक कर जाएगी बिकॉज पूरी भरी हुई बॉटल का वेट खाली बॉटल से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट वन इज एल्युमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग. मेडिसिन की जो पैकिंग आती है उसमें एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, उस एल्युमिनियम फॉइल से करने हैं. सबसे पहले तो आपको वो एल्युमिनियम फॉइल खोल के, एकदम पूरा खोल के स्प्रेड करके रख देना है, वो फ्लोट करेगा जैसे आपका पेपर फ्लोट करता है. ठीक है, प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल. अब उस एल्युमिनियम फॉइल को आपको गोल गोल घुमा के एक अच्छी सी टाइट सी बॉल बना लेनी है. और वो बॉल देखो डिस्प्लेस वाटर कम करेगी ना, मतलब जो डिस्प्लेस वाटर करेगी वो वेट से वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो सिंक कर जाएगी. लास्ट वन इज अगर कप की शेप बना दोगे. कप की शेप मतलब जैसे आप बाउल बना दोगे, उसका एम्प्टी बाउल बना दोगे उस एल्युमिनियम फॉइल का, तो वो भी फ्लोट करेगा. लास्ट वन इज सोप केक. सोप केक तो देखो हमने देखा था, आयशा का भी फ्लोट कर गया था, सॉरी सिंक कर गया था. तो आपका भी जो सोप केक है वो सिंक करेगा, उसका वेट ज़्यादा होगा. बट अगर आप उस सोप केक को, अपनी साबुन को एक सोप केस में रख दोगे, मतलब प्लास्टिक की प्लेट में रख दोगे, तब वो फ्लोट करेगा क्योंकि अब जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट ज़्यादा हो गया आपके ऑब्जेक्ट से. लास्ट वन इज आइस. आइस हमेशा फ्लोट करती है. आपने देखा भी होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो या कोई भी ड्रिंक डालते हो अपने ग्लास में, तो आप आइस डालते हो, एक बार नीचे जाती है तभी वो फ्लोट करने लग जाती है. ठीक है,
तो ये आपको करके देखनी थी सारी एक्टिविटीज़, जो सिंक करेंगे उस पर क्रॉस लगाना है, जो फ्लोट करेंगे उस पर टिक लगाना है। बहुत ईजी था इन सब का। बच्चे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका वेट आपके बायोएंट फोर्स से ज़्यादा हो गया है इसलिए वो सिंक कर जाती है, या जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट ज़्यादा है आपके ऑब्जेक्ट से तो वो फ्लोट करेंगे, ऑपोजिट है बस। ठीक है, सो आपको तीन फिलअप पूछे गए हैं। आयरन नेल, अभी पीछे देखा जो आयरन नेल थी वो क्या कर गई थी, सिंक, एंड जो खाली कटोरी थी वो फ्लोट कर रही थी। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, देखो जो खाली कटोरी है वो फ्लोट कर रही है एंड जो ये आयरन नेल है वो सिंक कर गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आयरन नेल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जो आयरन नेल है वो कम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी एज कम्पेयर टू कटोरी। तो कटोरी देखो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रही है, और जो वाटर डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट कटोरी से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो हमारी कटोरी है वो फ्लोट कर रही है। सेम है सेकेंड की, जो खाली बोतल थी आपकी पानी की वो फ्लोट करेगी एंड भरी हुई डूब जाएगी। क्यों? इसका भी बच्चे सेम ही रीज़न है, क्योंकि जो खाली बोतल है इज़ लेस देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्योंकि जो खाली बोतल जो पानी डिस्प्लेस करेगी उससे कम वेट की है। अभी देखो खाली बोतल में तो बहुत कम वेट होता है ना, बट जो भरी हुई बोतल है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है इसलिए वो सिंक कर गई। लास्ट वन ऑल्सो सेम कि जब आपने एल्यूमिनियम फॉइल को स्प्रेड आउट, मतलब एक ओपन करके एक पेपर की शेप में, जैसे आपका पेपर होता है ना स्प्रेड आउट, वैसे किया तो फ्लोट करा, अगर बॉल बना दोगे तो वो सैंक कर जाएगी। दिस मे हैपन बिकॉज द वेट ऑफ फ्लैट एल्यूमिनियम फॉइल इज लेस देन द वेट डिस्प्लेस बाय इट। तो वाटर उसने जितना डिस्प्लेस किया, वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस किया इट मीन्स उसने, और पेपर का जो फ्लैट किया हुआ है उसका वेट कम है, बट अगर बॉल बना दोगे तो वो वाटर कम डिस्प्लेस करेगी और उसका वेट ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा वेट की वजह से वो सैंक कर गई। ठीक है, आई होप कि आपको सैंक एंड फ्लोट का ये कंसेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल डू अवर नेक्स्ट टू पेजेस 63 एंड 64 इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।